और जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेस होती है वो मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लेक्टिस मोर कम्फर्टेबल, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनती है। उसके बाद RGP, हार्डर प्लास्टिक बेटर फॉर सर्टन कंडीशंस। हार्डर प्लास्टिक, उसका जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है, और सर्टन कंडीशंस मीन्स जैसे अब हमारा एस्टिगमेटिज्म हो गया, उस टाइम पे हमारा कॉर्निया का जो शेप है वो इनरेगुलर हो जाता है, तो वो अगर हार्ड है तो वो प्रॉपरली वहाँ पे सेट हो जाएगा और यहाँ वहाँ मूव करेगा, या फिर हम जब ब्लिंक करते हैं तो वो इधर उधर नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा और ज़्यादा हमें जो शेप है कॉर्निया का उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा, वहाँ पे स्टिक हो जाएगा प्रॉपरली। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम RGB कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो वेयर करने के बाद हम जब ब्लिंक करते हैं या थोड़ी देर के लिए हम आँखें क्लोज करते हैं अपनी, तो वो अपनी जगह से यहाँ वहाँ हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन जो RGB है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं और हमने ब्लिंक किया या फिर थोड़ी देर के लिए आँखें बंद की, तो उसके मूव करने के या जगह से हटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एस्टिगमेटिज्म है अगर उसमें हमारा लेंस यहाँ वहाँ हो गया, जिसको हाईली है, जिसको ज़्यादा है, सीवियर एस्टिगमेटिज्म है, उसको उस समय देखने में तकलीफ हो सकती है। हो सकता है वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, तो अगर उस समय उसको कोई दिक्कत हो जाती है या हमारा कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो हट जाता है, तो उसको उसके काम में तकलीफ हो सकती है। जैसे कि कभी कभी हम स्पेक्स भी यूज़ करते हैं, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे नीचे झुक रहे हैं या यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो हमारा अगर हमारा स्पेक्स इधर उधर हो गया तो हमें प्रॉपर देखने में तकलीफ होती है। उसी प्रकार ये कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी है। समझ गए आप लोग?